अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ दो जगहों पे, लेकिन अभी जो मैं आपको पहली चीज़ दिखाऊंगा जाते ही वो है अलगुबैबा का एरिया, बहुत ही प्यारा बना हुआ है, उसको दिखाएंगे। उसके बाद में अलसीफ़ का एरिया दिखाएंगे। अलसीफ़ का इंट्रो मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन अभी चलते हैं देखते हैं कि अलगुबैबा का एरिया किस तरह का है। वहाँ पे चल के आप लोगों को बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। की तरफ से हाँ ओके 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 ओके, बहुत ही प्यारा एरिया है, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कैसे हो, ठीक ठाक हो, कैसे हो, और क्या चल रहा है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, एक व्लॉग बनाने जा रहे थे। अच्छा, अल्फी वो एक और यूट्यूबर है, उसका वेट कर रहा था। अच्छा, कौन है वो तो नहीं आ रहा क्या? हां वो आ रहा है इधर। नहीं भाई, हां इधर बना लेते। और ये हमारे यूट्यूबर साहब आ गए। अरे सर, बॉस कैसे आ गए, मुलाकात हो गई अभी। तो गाइस आज हमारे यूट्यूबर हम लोग भी बन गए गाइस। हाँ तो गाइस आज हमारे साथ में एक और ब्लॉगर आ चुके हैं जिनका निकनेम है बॉस, जिस नाम से मैंने इनको सेव करा इनका नंबर। गाइस देखते हैं आगे का आज का क्या प्लान है। आज किसका है इनको तो मैंने देखा। अस्सलाम वालेकुम, बोला न। ये ईशा दीदी हैं, ईशा गिरी, जिनका अकाउंट है 200K प्लस वाले, यही है हमारे ग्रुप से। इनको तो देखा मैंने। हाँ इनका देखा तो मुझे भी तो देखा होगा ना, मुझे कैसे नहीं देखा। पहले देखा है। अच्छा अभी पसंद। टिकटॉकर से मुलाकात हो गई है, हो गई है। और अभी थोड़े से यहाँ के शूट लेंगे, इसके बाद अलसीफ की तरफ चलेंगे और वहाँ हम दोनों मिलके मैं और मेरा ये भाई अच्छा सा ब्लॉग शूट एक अच्छा सा ब्लॉग दिखाएंगे आपको और बहुत अच्छी अच्छी जगहें दिखाने वाले हैं। अलसीफ काफी अच्छी जगह है, बट सनलाइट के अलावा अगर जाओगे तो अलसीफ में नाइट मोड बहुत प्यारा है ब्रो। सो गाइस ए भी लोग मेरे साथ हैं और ये मुझे अलसीफ का एरिया दिखा रहे हैं, क्योंकि ये यहीं रहते हैं और इनको यहाँ के बारे में काफ़ी नॉलेज है, तो ये मुझे जगहें भी दिखा रहे हैं और लोकेशन के बारे में काफ़ी बातें हैं। गाइस तो जैसे कि अभी हम लोग हैं
अलकुबेबा के बैक साइड में जो लेक है उसके वहाँ पे। तो अभी हाल फिलहाल हम यहाँ का थोड़ा शूट कर रहे हैं क्योंकि अलसिफ खुलेगा 8:30 बजे के बाद में, वहाँ पे लाइटिंग काफ़ी अच्छी होती है लेट नाइट। और ये एरिया इस तरह का बनाया गया है कि जैसे स्टार्ट में दुबई था और स्टार्टिंग हुई थी, तो उस चीज़ को, उस कल्चर को अभी तक रखा हुआ है ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो इन चीज़ों को याद रखें और एक निशानी के तौर पे ये चीज़ कायम रहे। गुबेबा मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ बनी हुई है और गुबेबा का ही एरिया कहलाता है। और ये जो है ये ओल्ड कल्चरल जैसा था 60 की दहाई में, उस तरह का बिल्कुल माहौल बनाया हुआ है। बहुत ही रिलैक्स माहौल है, बहुत खामोशी है। अगर आप, आपको सुकून चाहिए थोड़ा सा लाइफ में, तो आप इस एरिया में आके अगर कहीं पे बैठ जाएंगे, कुछ होगा तो बहुत रिलैक्स फील करेंगे। बहुत खामोशी और एक अच्छा फील आ रहा है, परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये जगह मुझे अच्छी लगी काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ बताऊँ, तो मैं यहाँ लाया। अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे क्या क्या है। बंद हो गया जी। जो लोग हैं ये टिकटॉक की वीडियोस बना रहे हैं और एवी रॉय जो है मेरे साथ, वो अपने यूट्यूब के चैनल के लिए वीडियो बना रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि कितना मुश्किल काम है ये, जो 5 और 10 मिनट की वीडियो होती है, 12 मिनट की 15 मिनट की, इसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि 2 से 3 घंटे की वीडियोस बनाते हैं, 4 घंटे की बनाते हैं, उसके लिए फिर उसमें से सिर्फ 10 से 12 मिनट की निकाल पाते हैं। तो गाइस पूरी वीडियो बनने के बाद में आपको खाली 10 से 15 मिनट की वीडियो मिलती है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। हमें बनानी पड़ती है 4 to 5 hours की वीडियो, जिसके अंदर से हम सेलेक्टेड कुछ पार्ट्स निकालते हैं जो कि खाली आप लोगों को अच्छा लगे। तो गाइस उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, बट आप लोग इतना प्यार देते हैं उसके लिए हमें भी इतना अच्छा लगता है। और तो उसमें से निकालने के लिए भी हमें जो है उसमें से सॉर्टिंग करने के लिए कि कौन सा पार्ट चाहिए, उसमें भी 4 से 5 घंटे और सम टाइम चले जाते हैं। ड्यूटी जब होती है जॉब के साथ में ये सब करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, और उस टाइम पे 2-2, 3-3 और 4-4 दिन भी लग जाते हैं, वो भी रातें लगती हैं। दिन नहीं, दिन में तो ऑफिस में होते हैं, रातें ज़ाया होती हैं जिसमें कि बंदा स्ट्रेस में भी जाता है, बहुत थकन हो जाती है। तो प्लीज़ लाइक किया करें, जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही वो कमेंट करें, और जैसा सपोर्ट आप अभी हम लोगों को कर रहे हैं इन फ्यूचर करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर दिस। हम दोनों को भी करें और इस तरह के व्लॉग जितने भी लोग बना रहे हैं सबको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है, खासकर एडिटिंग में बहुत ज़्यादा लगती है। ये जो शूट करते हैं इसमें तो हम घूम फिर भी लेते हैं और ऐसा लगता है बस कि यार कितना एंजॉय हो रहा है, बट भाई जब एडिटिंग की बात आती है ना तब हालत ख़राब होती है। और फिर अगर म्यूजिक वगैरह में कोई पार्ट ऐसा आ जाता है कि जिसको यूट्यूब कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो फिर उसको दोबारा से फिर जब एडिट करना पड़ता है तो उसमें और ज़्यादा जान जाती है। तो गाइस लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और साथ देते रहें। थैंक यू सो मच। सो गाइज़ हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे और बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी आपको यहाँ से। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way.
Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. बहुत अच्छा लग रहा है सर. दुबई तो हमेशा अच्छा लगता है सर. दुबई तो जगह वो है कि जहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं और आके एंजॉय करते हैं. मैं सर एक्चुअली सऊदी में रहता हूँ, सऊदी से घूमने आया हूँ यहाँ पे. तो किस तरह लग रहा है अभी, कहाँ कहाँ घूमे आप? नहीं एक्चुअली ये लोग तो यहीं रहते हैं, ये भाई हमारे पीछे रहते हैं, ये भी करीबी रहते हैं. ये अजमान से आए हैं भाई हमारे मिलने हमसे, क्योंकि मैं आया हूँ सऊदी से, इसलिए मिलने आए मुझसे. मैं आया हूँ स्पेशली घूमने आपसे. आप लोग इस तरह की वीडियो बना रहे थे तो मैंने सोचा कि आप लोग से बात करूं तो ज़्यादा अच्छा. नहीं सही है, नहीं अच्छा है, मतलब अच्छी जगह है. और दूसरा ये है कि यहाँ पर एक बड़ा सुकून वाली जगह है. मैं भी अभी लोगों को यही बता रहा था कि यहाँ पर बहुत रिलैक्स है. अगर आप आए यहाँ पर तो बड़ा अच्छा बैठने की जगह है, बहुत सुकून है. मतलब आप अगर टाइम स्पेंड करना है थोड़ा वीकेंड पे तो आप यहाँ आ सकते हैं. इट्स अ गुड प्लेस, अमेजिंग. बाकी जो है आप खुद देख सकते हैं. थैंक यू सो मच टाइम देने का, आप लोगों का बहुत शुक्रिया. सो गाइस देखा कि अभी पाकिस्तानी इंडियन भाई वगैरह जो कि यहीं पे रहते हैं उनके पास कुछ विजिट पे उनके फ्रेंड आए हुए थे, उनको वो घुमाने लाए इस जगह पे. और उन्होंने भी यही बात बताई कि जो मैंने आपको बताई थी कि ये लोग यहाँ पे सुकून बहुत है, तो ये लोग भी सुकून के लिए यहाँ पे आए, घूम रहे हैं फिर रहे हैं. और ये आप पीछे देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है. ये देखें, ये चीज़ें बहुत ही प्यारी लग रही है. पुराने टाइम पे जब लाइट्स वगैरह नहीं होती थी तो ये जलाए करते थे, इससे रोशनी होती थी. उसके बाद इस तरह के लाइट्स वगैरह आई हैं. और ये देखें आप, ओल्ड स्टाइल बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है. रोशनी के लिए अभी इंतज़ाम किया जाता है, पहले भी इसी तरह से इंतज़ाम होता था. तो ज़बरदस्त ये कुछ जगह बनी हुई है. ये आई थिंक ये स्टेट्स के नीचे इस तरह की एक जगह बनी हुई है. और ये जिस तरह स्टोर रूम को यूज़ किया जाता है उस तरह की कोई जगह है, कंफर्म तो मुझे नहीं मालूम है. शायद अगर मैं आपको गलत बता दूं तो बाद में कमेंट्स में लोग आके लड़ने लगे कि नहीं ये चीज़ नहीं थी, वो चीज़ थी. अभी स्टेज पे जाना मना है, मन किया भाई ये वाला एरिया लेकिन दिखा था बनता. पहले इस तरह की चीज़ें भी होती थीं, इन चीज़ों को अभी तक याद रखा हुआ है.
अभी हमने देखा ये लोग टिकटॉक वगैरह बना रहे थे, तो हमने सोचा थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। तो आप लोग स्पेशली क्रीक पे क्यों आते हो टिकटॉक वगैरह बनाने? ज़्यादातर यहीं पे आते हो कि कहीं और जाते हो? रूम नजदीक है, छुट्टी के दिन में ऐसे घूमने के लिए आओ खाने के लिए आता है। अच्छा, तो आप टिकटॉक वगैरह भी बनाते हैं? कभी कभी, इस टाइम पास के लिए। तो कैसा लगता है आपको यहाँ पे आके? अगर लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन कैसी लगती है अभी तक आपको? जगह के बारे में बात करें तो कैसा लगता है आपको? अच्छा है, अच्छा लगता है। इधर आएगा तो अभी फ्राइडे के दिन पूरा लोग अभी छुट्टी के दिन एंजॉय के लिए आता है ना। अच्छा, इसलिए हमको भी थोड़ा अच्छा लगता है घूमने के लिए, थोड़ा अजीब अजीब नए नए फेस देखता है ना, थोड़ा हम लोग दिल खुश होता है। नहीं तो और दिन सेम फेस सेम। आप लोग नेपाल से? नेपाल से। आप लोग भी वर्क वगैरह करते होंगे, जॉब वगैरह भी करते होंगे? चलिए, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। बाय। पुराने स्टाइल का एक दरवाज़ा, बहुत ही खूबसूरत है, इसके लॉक भी पुराने स्टाइल का लगा हुआ है। ये जिस दरवाज़ा जो है ये फोल्डिंग में ओपन होता है। आप लोग देख रहे हैं कि वीकेंड पे यहाँ पे बहुत सारे टिकटॉकर्स वीडियो बनाने के लिए आते हैं, तो चलिए इनसे बात करके देखते हैं। तो आप लोग भी टिकटॉक बनाने आते हैं अधिकतर, या फिर कुछ और ऐसा घूमने के सबसे आते हैं स्पेशली? हम लोग आपको यहाँ के बारे में कैसा लगता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट की बात करें या फिर लोकेशन की बात करें तो कैसा लगता है यहाँ पे आके? यहाँ पे आता है ना हम लोग को एकदम अच्छा लगता है ना। अच्छा। अपना नेपाली मिलते हैं, बहन मिलते हैं, सब मिलते हैं। आप लोग नेपाल से हो? नेपाल से हम। चलिए, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो गाइस यहाँ पे टिकटॉकर्स की बहुत सारी, स्पेशली बात करें तो नेपाली काफी सारे आते हैं क्योंकि उन लोग को सबसे अच्छा प्लेस यही लगता है मेरे अकॉर्डिंग। आज है जुम्मे का दिन, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जुम्मा टिकटॉकर्स का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। देखें तो आप लोग क्या यहाँ पे टिकटॉक के लिए आते हैं या फिर कैसे? हम लोग बस फोटोशूट वगैरह। फोटोशूट, तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा था बैक साइड से कि ये लोग फोटोज ले रहे थे, तो गाइस आप लोग का स्पेशली यहाँ पे आने का कोई रीजन होता है या फिर ऐसे ही घूमने के लिए आते हैं? बस वीकेंड एंजॉय करने। तो कैसा लगता है प्लेस की बात करें तो प्लेस कैसा है? दुबई नहीं, आई नो दुबई इज ऑल्सो गुड, बट हम बात करें क्रिक की बात करें, जैसे कि क्रिक पे भी आप लोग हैं तो क्रिक के बारे में कुछ बताएंगे कि कैसा लगता है कि हमारा बांग्लादेशी बहुत बताएगा बहुत बताएगा तो चलेगा। बताओ भाई, क्रिक वैसे नॉर्मली देखा जाए तो बहुत सारे क्रिक है, लेकिन सब प्यारे प्यारे समुद्र टाइप के क्रिक होते हैं। तो यहाँ के जैसे कि अभी जिस क्रिक पे आप लोग हैं उस क्रिक के बारे में कि आप लोगों को यहाँ के एनवायरनमेंट में कुछ कमी लगती है कि कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है कि कैसा, कुछ आपको कुछ बताएंगे स्पेशली कि यहाँ पे आना?
चलिए थैंक यू सो मच, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। सो गाइस आप देख रहे होंगे कि अभी लोग वॉकिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे और जॉगिंग वगैरह भी कर रहे हैं। तो ये शाम का टाइम ऐसा होता है यहाँ पे कि लोग यहाँ आते हैं, खासकर आज फ्राइडे का दिन है, जुमे का दिन है, तो आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। तो ये बहुत अच्छा सुकून वाला प्लेस, तो आप भी आइए विज़िट कीजिए। सो गाइस मैं अपने दोस्त एविरोए को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि इन्होंने पूरा उबैबा का एरिया घुमाया, अतराफ में सारी चीज़ें दिखाई, उनके बारे में बताया क्या क्या चीज़ें हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने, आप बड़े भाई हमारे। और सबसे पहली चीज़ गाइस, मुझे इनका काफ़ी सपोर्ट मिला क्योंकि मैं एक अकेला व्लॉगर था, तो मुझे एक टिकटॉक फ्रेंड्स काफ़ी सारे थे, बट एक बोलते हैं कि अपनी लेवल का कोई बंदा मिले तो अच्छा लगता है उससे बात करना, उससे किसी भी चीज़ को शेयर करना। तो इसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने मुझे स्पेशली मेरे लिए टाइम निकाला। मोस्ट वेलकम एवरी टाइम, इंशाल्लाह आगे भी हम मिलकर व्लॉग बनाते रहेंगे और एविरोए को भी सपोर्ट करें, मुझे भी सपोर्ट करें। हमारी वीडियोज़ आपको किस तरह की लग रही हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इनको भी सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी सब्सक्राइब कीजिए। और आप कुछ कहना चाहेंगे? बस गाइस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, अपना सपोर्ट करते रहिए, और आपको हमारी वीडियोज़ में चाहे इनकी या चाहे मेरी वीडियोज़ में किसी भी टाइप का अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको दुबई से रिलेटेड किसी भी जगह के बारे में जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन दीजिए। स्पेशली आपको नेक्स्ट व्लॉग उसी टॉपिक पे मिलेगा गाइस, इंशाल्लाह। प्लीज़ सपोर्ट गाइस। गुबेबा के व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अभी एविरोए भाई ने बताया कि हम सीफ की तरफ भी जाएंगे, वो भी दिखाते हैं आपको, अलसीफ जाएंगे, वहाँ के भी नज़ारे दिखाएंगे, और फिर इजाज़त चाहेंगे आपसे। तो गुबेबा का व्लॉग यहीं पे ख़त्म है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं, खुदा हाफिज़ गाइस।